अस्सलाम वालेकुम। बहुत दिनों बाद क्या चाल है आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कैसे होगा भाई। तो लास्ट व्लॉग पिछले जुम्मे में आया, इतना तो लापरवाह हूँ मैं कि भाई। अब आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले जुम्मे खतरनाक मौसम था, बारिश बारिश हुई थी। आज इतना कुछ खास है नहीं, खैर बादल तो हैं लेकिन धूप इतनी है नहीं खास पे। और भाई तो आज का सीन ऐसा है कि जाना है हमने फार्म हाउस जाना है भाई। तो अभी पता नहीं हमें जाएंगे शायद, मेरे ख्याल से अभी तो 1 बज रहा है, 5 बजे तक हम शायद जाएंगे। और फिलहाल अभी टाइम है और जुम्मे की नमाज़ में मैं लेट हो रहा हूँ क्योंकि नमाज़ होने वाली है, 1 बज चुका है। वहाँ से शाम की नमाज़ पढ़ने आ रहा होगा, मुझे यहाँ से जाना है जल्दी से। तो फिलहाल अभी नमाज़ पढ़ने आते हैं, उसके बाद आके बताता हूँ आपको क्या सीन। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है शाम सर? और भैया आप लोग सब कैसे हैं? ये लोग बेहतरीन। मैं तो बिल्कुल ही नमाज आई नमाज पढ़ ली है। नमाज अभी पढ़ के आया। आपने पढ़ी नमाज? हाँ मैंने तो पढ़ ली। नमाज भी आई भी मैं किसी जुम्मे नमाज नमाज थोड़ी अल्हम्दुलिल्लाह है यार। आप तो फिर क्या माशाल्लाह से। मैं तो फिर मैं हूँ ना। आप तो फिर आप। और अभी क्या सीन है? और बस अभी जाके कपड़े वपड़े चेंज करते हैं, फिर फार्म हाउस जाना है। फिर फार्म हाउस जाना है उसके। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारा सीन है भाई फार्म हाउस जाने का। और वैसे ही जैसे आप लोग देख सकते हैं मौसम वीआईपी हो रहा है और अब्दुल्हाद बैठ चुका है यहाँ पे, बोल रहा है कि मुझे क्या नाम है फार्म हाउस जाना है। अब्दुल्हाद आपको फार्म हाउस जाने की खुशी हो रही है या फिर नहीं भाई? तो इसको पहले ज्यादा खुशी थी जब ये पहले गया था तो, लेकिन हमें भी है। खैर अभी पैकिंग वगैरह सारी हमारी हो चुकी है, बाकी देख अब शाम लोगों का पता नहीं क्या किया है उन लोगों ने, हुआ है नहीं हुआ है। खैर मम्मा अभी मेरा नाश्ता बनाती है, जल्दी से नाश्ता करता हूँ और फिर चलते भाई। तो बस में आ चुके हैं, सामान आधा आधा रख दिया है, बाकी कजन वगैरह भी सारे आ चुके हैं। और अभी अभी हमें यहाँ से सामान सारा रख के शाम के घर पे जाना है, उसके बाद वहाँ जाके मिलते हैं आप लोग भाई। ओ भाई बस शाम भाई, तो सफर शुरू हो चुका है हमारा। और दुआ पढ़ लो, दुआ पढ़ लो यार, ताकि हम खैर खैर से पहुंच जाए, ऐसा ना हो कि पोस्ट उड़ जाए। सही बात यार, ऐसी गंदे गंदे अल्फाज अपने मुंह से नहीं निकालो। बाकी बाकी सारे लोग पीछे बैठ चुके हैं और अभी आप लोगों को दिखाते हैं। शाम आपने सफर की दुआ पढ़ी या फिर ऐसी हो? मैंने सफर की दुआ पढ़ ली। सुभान अल्लाह, तो फिर आप सफर की दुआ पढ़ाओ। सुभान अल्लाह सफर लना हादा व मा कुन्ना लहु मुक्रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनकलिबून। सबको पढ़ाओ। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, हमारा बच्चा कुरान हिफ्ज करके आया भाई ये। अबे भाई भाई भाई, गिरने वाले यहाँ से गिर सकते हैं भाई। बोलो खतरनाक रोड चल रहा है भाई, तो डर लग रहा है। और ये भी आसरा नहीं कर रहे अंकल, आसरा नहीं कर रहे, ऐसी बाहर की गाड़ी चला रहे भाई। तो माशाल्लाह से अब हम फार्म हाउस पहुंच चुके हैं और बच्चे कह रहे हैं। और आप क्या कह रहे हो सर? भाई तो फार्म हाउस के अंदर हम पहुंच चुके हैं, कुछ दिखा देता हूँ, थोड़ा थोड़ा सा नजर आ जाएगा। ये है कोई सूर्यदार फार्म हाउस, बाकी अभी सारे बाबा वगैरह यहाँ पे हैं और बस अभी रुक गई है। बाकी नहीं जा जी, मेरे कजन को बत्तख वगैरह दिखाने गए और मौसम भी बड़ा खुशगवार हो रहा है। बाकी शाम से आपको मिलवाते हैं। चुप भाई, फार्म हाउस के अंदर आ चुके हैं। पिच काफी बड़ी है लेकिन यार ग्राउंड तो इसका बहुत छोटा है। पिच बड़ी है, ग्राउंड छोटा है, ये तो छोटा छोटा खेल लेंगे। खैर एक देखते हैं, अभी कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। देखते हैं। खैर सब फार्म हाउस तो मुझे अच्छा लग रहा है यार, है ना? यही भी लग रहा है। वैसे पता नहीं चलता कि फार्म हाउस कैसा है, जब हम इसका पूल देखते हैं, पूल बड़ा हुआ। हाँ यार, पूल देखने के बाद पता चलता है कि फार्म हाउस की सुविधा असल में है क्या। भाई तो अब हम पहुंच चुके हैं फार्म के अंदर, जो कि स्टार्ट हो रहा है इस जगह से। यहाँ सबसे पहले आपको पड़ता है ग्राउंड जहाँ पे बच्चे खेल सकते हैं, झूले वगैरह। और यहाँ पे हमारी बस खड़ी हुई है और बाकी यह ग्राउंड है। और यहाँ पे अगर हम आ जाए तो यहाँ पे एंट्रेंस होती है जिसपे रखे हुए हैं, यहाँ पे एक कैरम है और उसके बराबर में एक कैरम यहाँ चला हुआ है और यहाँ मेरे पापा पट्टी खेल रहे हैं। और यहाँ से अगर हम राइट साइड पे उड़ते हैं तो ये आ जाता है भाई इनका लिविंग रूम, जहाँ पे रखे हुए हैं सोफे बहुत ही प्यारे तरीके से। यहाँ हमने थोड़े से बेड वगैरह रख दिए हैं और यहाँ सारे अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। यहाँ पे भी एक बेड रखा हुआ है, बाकी बैठने की जगह है। और यहाँ पे अगर हम आए तो यहाँ एक डीप फ्रीजर है और एक किचन है, जहाँ पे हम खाने वाने का सिस्टम कर सकते हैं। बाकी मम्मा ताया वगैरह सारे इंतजाम कर रहे हैं थके हार में। अब लेके चलते हैं आप लोग रूम की तरफ भाई। तो फर्स्ट रूम में एंटर होने के बाद जैसे ही हम आते हैं, सामने एक बच्ची दिख जाती है प्यारी सी मीरा। मैं पागल वागल हो गया, रिवाइंड दो क्या बोल रही है वे। फिर यहाँ पे एक बेड रखा हुआ है, यहाँ पे सारे तैयार हो रहे हैं, यहाँ एक कबर्ड है, एसी भी है और यहाँ एक वॉशरूम है। ओह माशाल्लाह माशाल्लाह, अच्छा वॉशरूम है।
वॉशरूम भी अच्छा है। दूसरे रूम की तरफ आप लोगों को लेके चलते हैं। ये ऐसी दूसरे कमरे की तरफ हम एंटर हो चुके हैं जहाँ पे घुसते ही उल्टे हाथ पे हमें कबर्ड दिख जाता है और यहाँ पे सबसे दुनिया का सबसे बड़ा ब्लॉगर शामिर दिख जाते हैं और यहाँ एक बैठने की जगह है और एक बेड यहाँ पे भी है और एक एसी भी लगा हुआ है और यहाँ पे भी डिसेंट सा वॉशरूम है यहाँ पे भी। और शाम से एसी खोलेंगे अभी हम यहाँ ऐसे करके भाई। तो पलंग पे सारा आराम करने के बाद अब हम अगर बाहर आ जाते हैं तो बाहर हमें बहुत ही वीआईपी तरीके का पूल नजर आता है जिसमें हम एंजॉय कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं अच्छा खासा बड़ा पूल है यहाँ से लेके वहां तक का। आपको अभी शाम धक्का दे दूं क्या भाई? अभी थोड़ा सा ना स्टेबल हो जाते हैं ताकि सारा ना मामला पानी सेट हो जाए उसके बाद पूल में जाएंगे। और ऐसे ही अगर हम थोड़ा सा आगे जाते हैं तो बच्चों का पूल भी है यहाँ पे। यहाँ थोड़ी सी घास वास है ताकि आप अपने पैर सुखा लें और ऐसे ही आए ऊपर तो फिर यहाँ बच्चों का भी पूल है। लेकिन यहाँ तो हमारा इतना कोई काम है नहीं, हमारा काम वहाँ पे है, बच्चे नहाएंगे यहाँ पे। बस जल्दी से शाम जल्दी से कपड़े चेंज करके डायरेक्ट भाई। तो फिलहाल सारा अभी सारे सेटअप कर रहे हैं यहाँ पे, कोल्ड ड्रिंक वगैरह सारे अभी स्टेबल होने में टाइम लगेगा, वो होते हैं और फिर डायरेक्ट चलते हैं पूल के अंदर। भाई सारा सामान इन लोगों ने हमें पकड़ा दिया कि उठाओ भाई, हम क्यों उठाओ, कुछ काम कर ही नहीं रहे। भाई खाने की तैयारी हो चुकी है बिल्कुल भी। खाना तो नहीं है, ये क्या है? ये है ऐसी पार्टी है, पता नहीं किसी चीज की। और अभी ये खाएंगे उसके बाद 12 एक बजे तक हम खाएंगे खाना। और ये मेरी प्यारी सी भांजी है भाई। हेलो मिराल, कैसी हो? ठीक हो? तो भाई खाना वाना लग चुका है, खाना नहीं है मतलब ऐसी पार्टी टाइप है। और जो है पूल, यार मेरे तो अभी से दिल चाह रहा है कि मैं यहाँ पे जाके ऐसी जाऊँ और डुबकी मार लूँ, लेकिन अभी जो है बोला गया है कि क्रिकेट खेलना है पहले, उसके बाद हम जाएंगे पूल में। भाई क्रिकेट कब तक खेलना है? क्रिकेट कब खेलना है? क्रिकेट कब खेलना है? अबे भाई क्रिकेट खेलने चलते हैं, बॉल आ गई को क्या बोलते हैं प्लास्टिक को। शाहरुख़ पानी में चल रहे हैं, पानी में चलो आ जाओ, पानी में चलते हैं। चलो चलो भाई चलो, रुक जाओ रुक जाओ भाई। यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक वगैरह सारी है और इसके अंदर क्या है? तो भाई कुल्फियाँ उल्फियों का भी सीन है यहाँ पर, अभी चलते हैं क्रिकेट खेलने। भाई 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 आ जाओ क्रिकेट खेलने, चलेंगे आप मुझे कोई चीज दिखाने जा रहे हैं, पता नहीं आप क्या है, देखते हैं। हाँ भाई होलो होलो होलो। अरे 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 जुबैर जी ये क्या है? तेरी है कब तक बस एंड हो गया? अबे यार जुबैर तू नहीं यार, तो बुला के पूछता हूँ पहले किस तरफ करने, रुक जा। हाँ पूछ ले पहले। जुबैर तू फुल भरम में आया अपनी गन लेके, बेहतरीन काम कर देगा बच्चा आपने। हाँ बस अभी कर रहे हैं। तो भाई सारे बच्चे वगैरह यहाँ पर झूले वूले झूल रहे हैं और ये इतना बड़ा ग्राउंड, अभी हम सबको इन सबको हटा देंगे क्योंकि हमें खेलना है यहाँ पर क्रिकेट। हेलो बच्चों मजा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है, बहुत आला भाई। अभी वहाँ पर टीमिंग वीमिंग होने जा रही है। आओ आओ भाई आया धड़। और भाई क्रिकेट स्टार्ट होने वाला है बेटा, सारे सारे जाओ सारे कटो 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 कटो। भाई यहाँ पर जो है मैच स्टार्ट होने लगा है, बिल्कुल बॉलर आ चुका है बेहतरीन तरीके से। अभी शामिल तुम्हें शॉट पड़ेगा फिर देखना। और बस तुम्हारी पेस है लेकिन लाइन में नहीं है, तो तुम्हें चाहिए कि लाइन में करवाओ। अभी मैं करता हूँ बैटिंग, फिर आपको दिखा दो मैं कितना बड़ा बैट्समैन हूँ। अबे शॉट, अरे बेहतरीन भाई। तो
इस चीज का मुझे तो सबसे ज्यादा इंतजार था। क्रिकेट इतना बेहतरीन खेला है, शेप भाई टीम को, शेप भाई टीम को गंदी तरीके से हरा दिया। अब आप छुपो नहीं, अब आप छुपो नहीं, शाम वाले शेप भाई की टीम को हरा दिया। दो दो बंदों की टीम थी और जो है हमने, मतलब मेरे साथ चाचू थे, हमने इतना गंदा हरा, इतना गंदा फाइनल जीते। शेप भाई अब शक्ल भी नहीं दिखा रहे, शार्ट हो गए शेप भाई, हद हो गई यार भाई। तो अब टाइम है किसी को भी फेंकेंगे हम, धक्का देंगे उसके बाद जाएंगे। भाई ये हरकतें चेक करूंगा, एसी खुला हुआ और इन्होंने दरवाजा खुला है, क्यों यार ऐसा? एसी चल रहा है, इन्होंने दरवाजा खुला रखा है। मैं अभी आपको मिलाना चाहता हूँ अपने चाचू से, जो कि है डॉन। ये रहे, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सिराजू, आप वो आपकी चेन है, चेन जिससे आप डॉन लगते हैं? वो मैंने अभी रिंग जो ना भी रखी भी है। अरे हाँ, आपने फायर भी तो किया। अरे लाइसेंस वाला है भाई, आपने लाइसेंस बनवाया है ताकि आपको कोई आया सड़के में नहीं आता। अभी कोई सामने आ गया तो फिर हाँ, वो है नहीं आजू पानी में चले ना। अरे तो भाई अभी सारे थक चुके हैं क्योंकि हमने क्रिकेट इतना खेला, इतना खेला है। शाकिर कितने खेले? और चीख चीख के मेरी आवाज भी बैठ गई है। बूर है अनस भाई, और उनको भी जा रहे पानी में डुबाने। तो यार कौन कौन जा रहे हैं? चलिए यार, जो आपको आ रहे हैं नहा लिया आप? ओए ओए ओए, अरे अरे मजा आ गया। तो भाई ले जाएंगे, अरे आइए चलो तुम जाओ। ए ए चल जाओ, अबे मोबाइल मोबाइल है, मोबाइल जाओ क्या शाम में, तुम जाओ। मार दूंगा चमाट, मैं बता रहा हूँ, कसम से मार दूंगा भाई। उमर भाई वापिस ऊपर आए, किसी को फेंक दे। शामिल जाओ भाई, सारे भाई फार्म हाउस की लाइट एकदम से चली गई है और नहा आ गए, सारे फारिग हो चुके थे। और ये कौन है अब्दुल्ला, क्या कर रहे हो भाई? नहा आ गए, सारे स्विमिंग पूल से फारिग हो चुके थे और थक बहुत गए थे, और क्रिकेट इतना खेला है कि ना मर गया, मतलब हम अभी जिसमें उठने के भी काबिल नहीं है। तो फिलहाल यहाँ पे सारे बैठे हुए, खाना खा रहे हैं यहाँ पे, अभी हम भी बैठते हैं और फिर खाना खाते हैं। लाइट एकदम से चली गई, लाइट आए तो फिर बैठे भाई। प्लेटें है नहीं, मुझे खाना मिल नहीं रहा, और एक बेशरम आदमी, बेहया आदमी ये आप लोग देख सकते हैं। तो भाई कुछ शर्म है आपको कि मैं खाना नहीं खा रहा और आप भाई? तो ये क्या, मेरा तो मेरा भी इंतजार नहीं करोगे आप? बिल्कुल ही बेशरम, बिल्कुल ही बेशरम आदमी है ना, इसको जरा सी शर्म, कुछ भी ना शर्म है ना कुछ है। अच्छा भाई, दो लेग पीस आया बेबी, बाबा वो खा रहे हैं, प्लेट है नहीं तो मैं इंतजार कर रहा हूँ बैठ के कब प्लेट आएगी और मैं खाऊंगा। हाँ बस इसी में खाना शुरू करते भाई। तो खाना वगैरह खा के फारिग हो चुका हूँ मैं, इसकी सूरत हाल बड़ी खतरनाक है। यहाँ पे सबने खाना वाना खाया है, अभी पेट साफ करते हैं और फिर दोबारा से खेलेंगे। अस्सलाम वालेकुम मिराल, कैसी हैं आप? क्या क्या हुआ बताओ भाई? तो मेरी भांजी फार्म हाउस आई है मिराल, मेरे लिए चाहिए मिराल। आंखों में लाइट जा रही है इसके, तो हम इसको इतना दिखाएंगे ताकि इसकी आंखें खराब ना हो। और बाकी यहाँ सारे बैठ गए क्योंकि अंताक्षरी खेलनी है सबको, और क्या नाम है, सब यहाँ पे बैठ के एंजॉय करेंगे अभी, क्योंकि रात के एक डेढ़ बज रहा है तो कुछ ना कुछ तो करना ही है, तो अभी जाके खेलेंगे कुछ। ये नंबर नहीं कभी खेला है, ये आपने क्या किया है? आपने ये जो काम अभी आप कर रहे हो ना, मुंह छुपाने वाले, ये किया है आप भाई? नंबरिंग खेले हमने, क्या पूरा पूरा गेम बनवाया है ये ना, ये मुंह छुपा के बैठे। फाइनल आ रहा है टूर्नामेंट में, क्या हुआ टूर्नामेंट में भी हार गया, ये हुआ है इनके साथ की ना। ब्रोस की शर्ट लगी हुई थी, लेकिन वो तो तुम्हारे बाबा इसके टीम में थे, उनको ही मरवा दिया इसने। ब्रोस देखो भाई, कोई मरवा दिया हो रही है ना, बॉलिंग ना फील्डिंग, ना फील्डिंग, कुछ नीचे से बैठे हुए यहां बैठ के भी कुछ नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है। वो जो है एक मिसाल होती है डूब मरने का मकान, डूब मरने। हां ये पूल में फेंक देते ना इनको, बताओ ब्रोस भी है अभी? ब्रोस भी नहीं, आपने क्या क्या किया? ब्रोस कितने लोगों के? तीन
जितना बुरा खेला है ना इसको चाहिए 10 लोग फिर भी फाइनल तक पहुंचा हूं मैं। क्या किया गया फाइनल में? आप लोग सब मेरे खिलाफ हो गए। नो बॉल लिए वो। अबे किसने बोला? अबे क्या फाइनल तक जा रहे मेरे खिलाफ फील्डर? फाइनल में एक बॉल खा गया ये। पांच बॉल पे ओवर कर दिया। नहीं जीत रहे आप लोग। नहीं फाइनल तक पहुंचे आप ये लोग सब मेरे खिलाफ। आप लोग सब मेरे खिलाफ थे फाइनल में। अभी क्या किया? थक गया बस कर दो भाई। अब मुझे बैटिंग इतनी अच्छी करी है। अब एक दफा गड्डी सुने देख सकते हो। दिन हो चुका है और मौसम माशाल्लाह से बहुत ही खुशगवार हो रहा है और सुबह यहाँ तक इतना मज़ा आ रहा है। सारे यहाँ खड़े हुए पिक्चर्स वगैरह ले रहे हैं। मैंने अपनी पिक्चर्स वगैरह ले ली है और इतनी ज़्यादा नहीं ली क्योंकि मेरा तो पूरा व्लॉग ही है। और बाकी शाम में यहाँ खड़ा हुआ पिक्चर देख रहा है कैसे ले रहे हैं यहाँ पे लोग ऐसे लड़े में कोई पोज वोज नहीं चल रहा है यहाँ पे। और बाकी फिलहाल तो अभी हमें बहुत ज़्यादा आया। अभी हमारा टाइम कुछ चंद ही घंटों का रह गया वो ख़त्म होते हैं और तो फिर वापस चलते हैं। थकन तो ऐसी ही है अल्लाह माफ़ करे। और आप लोगों को मैं माजरत के साथ ये कहता हूँ कि क्या नाम है यार, मैंने आप लोगों को ना क्रिकेट इतना दिखाया ना स्विमिंग पूल इतना दिखाया। भाई देखो मेरा फ़ोन एक तो ना जैसे ही मैं यहाँ आया था चार्जिंग उसकी इतनी ख़त्म हो गई थी। वीडियोज़ पहले भी मैं जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ ना उसकी वीडियोज़ अलग मेरे पास पड़ी हैं तो ना मुझे अभी मेरे से मैनेज हो नहीं रहा। फिलहाल अभी मैं नया नया शायद बाद में हो जाए लेकिन जैसे ही मैनेज होगा बेहतरीन तरीके से मैं आपको प्रॉपर व्लॉग दूँगा। भाई यहाँ सामान के सारा ऊपर चढ़ाने वाला है यहाँ शाम यहाँ तो अभी सामान रखते हैं चलते हैं घर। अब जा रहे हैं वापस। मैं कोस्टल में नहीं जा रहा बस के अंदर मैं जा रहा हूँ गाड़ी में। बाकी जो बच्चे वगैरह भी आएंगे बाकी पीछे बस खड़ी हुई है वो सारे बस में आएंगे। मैं गाड़ी में आऊँगा घर पहुँच के मिलते हैं।